यमुनानगर खजूरी रोड स्थित रायपुर ग्राम निवासी खुशनुमा ने जुनैद अली इंतजार अम्बा अली गुलफान अली निवासी पुराना हमीदा के खिलाफ शिकायत जिला अधीक्षक को सौंपी। खुशनुमा ने जुनैद इंतजार अली व जुल्फान अली से एक प्लॉट रायपुर में खरीदा, लेकिन अब उन्हें उनकी ही जमीन पर मकान बनाने से रोका जा रहा है व नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इससे पहले भी खुशनुमा ने सीएम विंडो पर शिकायत की, जिसके बाबत कार्रवाई करते हुए सदर थाने ने पुलिस आई व मकान बनाने को कहा, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा पुलिस की मौजूदगी में न सिर्फ बनी हुई दीवार को तोड़ा गया बल्कि हाथापाई भी की गई। इससे पहले भी खुशनुमा ने सीएम विंडो पर शिकायत की, जिसके बाबत कार्रवाई करते हुए सदर थाने से पुलिस आई व मकान बनाने को कहा, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा पुलिस की मौजूदगी में न सिर्फ बनी हुई दीवार को तोड़ा गया बल्कि हाथापाई भी की। वही रजिस्ट्री व मालिकाना हक होने के बावजूद खुशनुमा व उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। उक्त दोषीगण न सिर्फ जमीन के पैसे ले चुका है बल्कि रजिस्ट्री भी करवा दी, लेकिन उसी जमीन पर बना कच्चा मकान तोड़ फिर अपना कब्जा कर लिए। अब खुशनुमा का परिवार कई बार शिकायतें देने पर भी बेघर जीवन गुजार रहा है। खुशनुमा व उनके परिवार को इंसाफ मिले, इसी आशा में खुशनुमा व उनका परिवार ने जिला अधीक्षक यमुनानगर को लिखित शिकायत दी व दोषीगण इंतजार अली अम्बा अली जुल्फना अली जुनैद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रार्थना की व जमीन का कब्जा दिलवाने की गुहार लगाई। यमुनानगर से अजय खुराना की रिपोर्ट। साथ है शादीपुर से खुशनुमा और उनका परिवार, जिनकी समस्या ये है कि इनकी एक प्रॉपर्टी है शादीपुर में ही, जिस पर कि गांव का एक अन्य पक्ष अपना कब्जा जता रहा है, जबकि इन लोगों के पास इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि रजिस्ट्री है और बाकी सारी एप्लीकेशन हैं और खसरा वगैरह सब कुछ है इनके पास। उसके बावजूद भी वो परिवार जो है इन्हें परेशान कर रहा है, और अब हम इनसे बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। बताइए क्या हुआ था उस समय। ऐसा है जी, हमने यहाँ कम से कम 5 दरखास्त तो SP साहब के यहाँ लगाई और एक लास्ट में वो सब सुनाई नहीं होती जी हमारी, दोबारा तो दरखास्त लगाई हमने CM विंडो पर लगाई जी। उससे हमारे लिए जी वहाँ सदर थाने से आए जी पुलिस वाले, उन्होंने आके बोला जी काम लगा दो, हमने काम लगा दिया जी। अगले उन्हें गड्डी वालों ने आके जी दोबारा फिर उनसे थाने वालों से तोड़फोड़ कर दी और बोल दिया जी कि ये रकबा तुम्हारा नहीं है, तुम जाओ जिससे तुमने ली उससे ले लो। अब बताओ जी हम कहाँ जावां, हमारा घर भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है जी। आप देख रहे हैं ये खुशनुमा है जिनकी ये प्रॉपर्टी है, इनकी इन्हीं के नाम से प्रॉपर्टी, इनके पास सारे कागज हैं, उसके बावजूद भी इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है।